प्रदर्शन कर रहे ने कांग्रेस के दो बार विधायक रहे महेश परमार। दरअसल उज्जैन उम्मीदवार ने दूषित शिप्रा नदी के विच डुबकी लगा के इस मौके प्रदर्शन किया। दो बार विधायक रहे महेश परमार ने उज्जैन के वसनीकों नूं शिप्रा मां दे बचाव दे लई सड़कां दे उत्ते आउण ते लड़ाई लड़न की अपील भी की। उज्जैन लोक सभा सीट तो कांग्रेस के उम्मीदवार महेश परमार ने मंगलवार को शिप्रा नदी के प्रदूषण के खिलाफ जलघर दाखिल होने वाले अनशोधित नाले के पानी के बैठ के प्रदर्शन किया। दसनयोग है कि उन्होंने इस मौके नदी के डुबकी भी लगाई। उन्होंने कहना सी कि सरकार डबल इंजन उत्ते काम करन दा दावा करती है, करोड़ा खर्चन तो बाद भी शिप्रा मां दा ए हाल है। मैं अज नदी दे विच डुबकी लगा के प्रण लिया है कि जदों तक शिप्रा मां साफ नहीं हो जाती है, नाले दा पानी दरिया दे विच डिगना बंद नहीं हो जाता, वो अपने आखिरी साह तक इंज ही लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने इस मौके उज्जैन के वसनीकों नूं भी अपील की कि वो इस दे नाल खड़े होण अते इस खिलाफ लड़ाई लड़न। दसनयोग है कि 2018 ते 2023 दी विधानसभा चोणां दे दौरान महेश परमार तराणा हल्के तों जिते सन। ब्यूरो रिपोर्ट, अज दी आवाज़। इन भारतीय जनता पार्टी और सत्ता में बैठे लोगों को सदबुद्धि दे और मां मैं आके पवित्र जल में डूबकी लगाकर शपथ लेता हूँ कि जब तक शिप्रा मां में गंदे नाले मिलना बंद नहीं हो, जब तक शिप्रा मां शुद्ध नहीं हो, प्रभाव मान नहीं हो, पूरे जीवन भर इस लड़ाई को लेता रहूंगा। जब तक अंतिम सांस के साथ प्राण रहेंगे मेरे, आज मैंने ये इसलिए मां शिप्रा में डूबकी लगाई कि हमारे उज्जैन नगरवासी आप सब लोग बाहर आए, शिप्रा मां को बचाने का समय है। 20 साल से इनकी प्रदेश और देश में 10 साल की सरकार है, सांसद जी इनके, विधायक जी इनके, महापौर जी इनके, और सौभाग्य से माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे ही हैं। लेकिन 100 दिन का माननीय मुख्यमंत्री जी वोट काट, डबल इंजन की सरकार की बात करने वाले, सनातन के नाम से वोट मांगने वाले, जब अमृत मंथन हुआ, प्रभु की कृपा हुई, अमृत की पुण्य बूंदे माँ छिपरा में गिरी और माँ छिपरा माँ के दर्शन करने मात्र स्वर्ग की प्राप्ति होती, हमारे कई जन्मों जन्म के पुण्य समाप्त हुए थे। ये स्थिति कर रही है आज माँ छिपरा माँ में डुबकी लगाकर। मैंने उज्जैन नगर के सभी परिवार से निवेदन करना चाहता हूँ, ये कांग्रेस भाजपा के विषय नहीं है, माँ छिपरा माँ के अस्तित्व की बात है, हमारे सबके गौरव और सम्मान की बात है। आज सब लोग बाहर आइए और मैंने आज छिपरा माँ में डुबकी लगाकर शपथ ली है कि जब तक माँ छिपरा माँ शुद्ध नहीं होगी लड़ाई जारी रहेगी। कलेक्टर साहब, आपने प्रेस नोट जारी करके कहा कि पीने का पानी आप पीने, मेरे साथ पीने का पानी, मैं निर्वाह के नारे में इसकी शिकायत करूंगा। जिस तरह से भाजपा के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं, एक भी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी और किसी जनप्रतिनिधि, चाहे भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी जिनको 4.5 लाख वोटों को जिताकर उज्जैन के घर प्रेम ने भेजा था, मेरा आज सबसे निवेदन है मीडिया के साथियों से कि आप सब वो जनता जनार्दन से कि आप सब आइए, लड़ाई हम सब निकल रहे हैं और निश्चित रूप से अगर ये लड़ाई रहे तो आने वाला समय हमें माफ नहीं करेगा, माँ जितना माँ हमें माफ नहीं करेगी। महाकाल के बाद हमारी माता धोनी के सब दूसरे वाले इस तरह नहीं आए।